एमएलए गणेश नाइक ने एनएमसी आयुक्त जीत बांगर की कार्यशैली पर उठाए सवाल, अधीनस्थ अधिकारियों पर अंकुश लगाने की मांग। आता ह्या परिस्थितीमधून जे उरलेलं आहे त्या उरलेल्याची निगराणी करणं तुमचं आमचं सगळ्यांचं कर्तव्य। ऐरोली के बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से अपनी 23वीं मुलाकात में खत्म हो रहे कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। गणेश नाइक ने ऐरोली के अंबेडकर नगर स्मारक निर्माण में हो रही देरी और स्वच्छता अभियान के औचित्य पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ पुरस्कारों के लिए स्वच्छता अभियान नहीं चलाया जाना चाहिए, बल्कि गली मोहल्लों में उसका असर भी दिखना चाहिए। पूर्व मंत्री ने मनपा आयुक्त की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि अभिजीत बांगर की नीयत तो ठीक है, लेकिन अपने अधीनस्थ उच्च अधिकारियों पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। उन्होंने ऐसे अधिकारियों पर अंकुश लगाने की भी मांग की। अपना शहरात जवरजवर 45,000 नागरिकांना COVID-19 ह्या रोगाचे बळी व्हावे लागले। आता कोरोना गेल्यानंतर पुन्हा दैनंदिन जीवनाची सुरुवात झालेली आहे, परंतु निश्चितपणे जरी कोरोनाच्या रुग्णांचा आकडा हा 3 आकड्यात आलेला आहे, तो लवकरच 1 आकड्यात यावा आणि त्याच्यातून त्याचं 0 रूपांतर व्हावं ही अपेक्षा आहे। परंतु अपेक्षा व्यक्त करणं आणि ती पूर्ण करण्याकरता जी जागरूकता दाखवायला पाहिजे ती सगळ्यांनी जागरूकता दाखवणं गरजेचं आहे। आणि आमची अपेक्षा आहे की 2021 नवी मुंबई भारतामध्ये 1 शहर स्वच्छतेमध्ये आलं पाहिजे। स्वच्छता नुसती एकाच ठिकाणची नाही, स्वच्छता गल्ली बोलामध्ये व्हावी अशी आमची अपेक्षा आम्ही केलेली आहे। आयुक्त तोरपे काही कामों में उनके अधिकारी पे कंट्रोल नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन उनकी मन की इच्छा है। खाली इच्छा होने से नहीं काम बनता, उसको अधिकारी वर्ग को काम में लगाने की भी जरूरत है। तो मैंने उनसे यही कहा कि आपका दिल अच्छा है, आपका मन भी अच्छा है, आप इम्पार्शल काम करने की भावना रखते हैं, लेकिन आपके नीचे के अधिकारी इनके दिमाग में कोई अलग चीज़ है, वो निकालने का प्रयास करो। पूर्व महापौर सुधाकर सोनाव ने वरिष्ठ नेता दशरथ भगत, जिला अध्यक्ष रामचंद्र खर समेत तमाम पदाधिकारियों के साथ आयुक्त से मिलने पहुंचे विधायक गणेश नाइक ने एक सवाल के जवाब में खुलासा किया कि 15 फरवरी तक नवम्बई मनपा के चुनाव हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को तैयार रहने का निर्देश दिया है। जो पर्यंत आचार संहिता लागत नहीं तो पर्यंत दर आठवड्याला माननीय आयुक्त महोदयांच्याकडे येऊन असलेल्या समस्यांची चर्चा करून त्याच्यातून ती समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न करणारच आहे। माझ्या माहितीप्रमाणे आता राज्यामध्ये ग्रामपंचायत निवडणुका लागलेल्या आहेत, त्याच्यानंतर नगर परिषदांच्या निवडणुका 7-8 दिवसाच्या अंतराने लागतील, नगरपालिकांचा अंतर 10-15 दिवसाचा असेल, त्याच्यानंतर महानगरपालिका निवडणुका होतील। फेब्रुवारी एंड किंवा मार्च पहिल्या आठवड्यापर्यंत महापालिकेची निवडणूक व्हावी अशा प्रकारची चर्चा समाजामध्ये आहे, तर मी माझ्या सहकाऱ्यांना ती 15 फेब्रुवारीलाच निवडणुका होतील अशा पद्धतीनं तुम्ही एकूणच जनसामान्याशी आजवर तुमचा जो एक ऋणानुबंध आहे तो तशा प्रकारचे जागृत करत ठेवा असं सांगितले। मराठीने एक कहावत ही तोडीला तरु फुटे आणखी भराने, आणि पेड़ को काटो तो पेड़ अपनी और ढालिया लेके मजबूती से खड़ा रहता है। जितना जुल्म होगा उतने हमारे कार्यकर्ता मजबूत बनेंगे और वो मजबूती के साथ वो लड़ाई को तैयार हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।